हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 10th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा छठा। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपने पहले भी लगाए हुए हैं, पिछली क्लासेस में भी लगाए हुए हैं और ये अभी आपने 10th में भी लगाए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन जो है अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा छठा, और यहाँ से अपनी साइंस पढ़ लेना और टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर हो जाना। और आपको बता दें 8 बजे लाइव आते हैं, तो वहाँ पे भी लाइव आ जाना। तो इन्होंने कहा आयताकार क्या है, हमारा एक खेत है। ठीक है, आयताकार इन्होंने खेत का बताया है और उसके विकर्ण की भी बात की है। तो भाई आयताकार है तो विकर्ण हम जब बना रहे हैं तो हमको पता ही होगा कि विकर्ण तो हमारा एक क्या होता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाती हुई एक रेखा होती है। आयत है तो इसके सभी कोण हमारे 90 अंश के होंगे। ठीक है, ये भी आपको पता है। अब इन्होंने कहा है कि चलो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। इन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, पर इन्होंने छोटी भुजा की कोई बात नहीं की है। ठीक है, कोई बात नहीं की है छोटी भुजा की, तो हम यहाँ पे मान ही लेते हैं कि माना छोटी आयत की छोटी भुजा, ठीक है, आयत की छोटी भुजा, ठीक है, वो कितनी है तो मान लेते हैं एक्स मीटर है। ठीक है, एक्स मीटर जो है वो हमारी छोटी भुजा है। फिर इन्होंने क्या कहा है, जो विकर्ण है वो हमारा छोटी भुजा, मान लो हमारी छोटी भुजा जो है वो एक्स मीटर है। ठीक है, और बड़ी भुजा अभी बताएंगे। इन्होंने कहा विकर्ण के बारे में बोला है कि छोटी भुजा से 60 अधिक है क्या हमारा विकर्ण। विकर्ण हमारी ये तिरछी जो लाइन होती है, तिरछी रेखा जो होती है, जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाती है, आमने सामने वाले कोणों को मिलाती है, वही हमारा विकर्ण होता है। तो इसके नामकरण भी कर देते हैं ABCD। ठीक है, करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कर चाहे तो कर लो। ठीक है, अब इन्होंने फिर कहा है कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा ये है तो इससे कहा है 30 मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है, तो हमने इसमें 30 जोड़ लिया है। भाई अब हम जानते हैं कि हमारा आयत है, तो आयत में सारे एंगल जो होते हैं वो होते हैं 90 के। अब 90 डिग्री हमारा बन जाता है और उसमें हमारे त्रिभुज की आकृति बनती है और 90 डिग्री भी होता है, तो इस तरह के त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। मतलब ये जो हमारा ABC जो बना है ये बन गया हमारा त्रिभुज, कैसा, समकोण त्रिभुज बन गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब पाइथा हमारे त्रिभुज की तीनों चीज़ें पता ही हैं, और तीनों चीज़ें ना पता होती, दो चीज़ पता होती तो हम यहाँ पे कौन सी प्रमेय लगाते हैं समकोण त्रिभुज के लिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आखिर हमारी होती क्या है, तो ये हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम ये लगाते हैं। अब हमारा कर्ण क्या है, तो कर्ण जो है वो है हमारा AC। AC क्या है, हमारा x प्लस 60 है, तो 60 इसका हम स्क्वायर कर देंगे। लंब जो है वो है हमारा x, मतलब AB मतलब x का होल स्क्वायर कर देंगे। आधार जो है x प्लस 30 है, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा आया। अब उसे हमें स्क्वायर होल वर्ग में मिल रहा है, तो भाई आपको फार्मूला तो पता ही होगा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² मान जाओ a² + b² + 2ab, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है, तो यही फार्मूला हम लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी का
होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। अगर ये लाइन आप लिख दोगे ना तो टीचर जो है आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएगा। हालांकि आप अगर डायरेक्ट लगाएंगे नंबर आपके नहीं चाहेगा तो नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। अगर आप लिख दोगे तो टीचर जो है आपसे खुश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। जो फॉर्मूले देखते हैं ना टीचर बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। बट अगर आपका कहीं पर कुछ गलती भी होगी तो भी वो आपका आपको पूरे पूरे नंबर दे देता है, ठीक है। तो फॉर्मूले लिखना मत भूला करिए, ठीक है। ये हो गया, अब हम ओपन कर देते हैं फॉर्मूला। एक्स ये हो गया ए, ये हो गया बी, मतलब ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 × x × 60, ठीक है। 60 कह लो या 60 कह लो, बात एक ही है, ठीक है। मैं दोनों लेके चलती हूँ, ठीक है। ये हो गया x का स्क्वायर, ऐसे ही इसको खोलेंगे, ये a है ये b है, तो हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर विथ हमारा क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा 2 × x × 30, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो गया, 60 का स्क्वायर 36 होता है ना, यहाँ पे एक जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, स्क्वायर में एक जीरो का 2 जीरो हो जाता है, और 2 × 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो था, एक जीरो लगा दो, x भी था, x भी लगा दो, इधर बराबर लिख दो, यहाँ पे x स्क्वायर कर दो, ये भी हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो था तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 का तो 2 जीरो हो जाएंगे, ऐसे ही प्लस लगा दो, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और 0 लगा दो, और ये हमारा x था, x लिख दिया, इस तरीके से ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर भी x स्क्वायर था, इधर भी x स्क्वायर था, तो हमने एक x स्क्वायर जो कट रहा था वो काट दिया, बाकी कुछ हमारा कट नहीं रहा था, तो हम क्या करेंगे, सबको उधर लेकर चलेंगे, इन सबको उधर लेकर चलेंगे। तो हमारा उधर क्या लिखा था, x स्क्वायर लिखा था, प्लस का 900 लिखा था, फिर हमारा प्लस का 60x लिखा था। अब ये हमारा उधर जाएगा तो माइनस का 3600 हो जाएगा, ये हमारा उधर जाएगा तो माइनस का 120x हो जाएगा। अब बराबर में कुछ नहीं बचा तो हमने 0 लिख दिया इतना। अब हम क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर अकेला है तो ऐसे ही लिख दो 900। पहले तो हम x वाले सॉल्व कर देते हैं, माइनस का 120 प्लस का माइनस का 120 प्लस का 60, प्लस माइनस है तो घट जाएंगे, घट के हमारा क्या बचेगा 60 बचेगा, 60x, और 120 बड़ा था इसके पास माइनस है तो माइनस का 60x हो जाएगा। अब हमारा प्लस का 900 और माइनस का 3600। अब हम क्या करेंगे, 900 3600 दोनों हमारे प्लस माइनस हैं तो घट जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब भाई घटा लेते हैं, तो घटाने पर हमारा क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या करना है हमें, 3600 में से हमें घटाना है, क्या करना है, 3600 में से हमें घटाना है 900, तो हमारा क्या आ जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो हमारा आ जाएगा 2700 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2700 आ जाएगा। ये हमारा माइनस का था और ये हमारा बड़ा था इसलिए माइनस का आ जाएगा, बराबर में कुछ नहीं था तो 0 लिख दिया। इस तरीके से ये हमको क्या मिली है, एक समीकरण मिल गई है। चाहे तो इसको द्विघात से कर लो, चाहे तो उससे कर लो, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको द्विघात से ही बता दूँगी, ठीक है। तो द्विघात से कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि उससे कर लें, आपको द्विघात तो मैंने कई बार बता दिया है, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से ही कर लेते हैं, जैसे 27 है हमारा, तो हम 27 हमारा कब आता है, 9 × 3 = 27 होता है ना, 9 × 3 = 27, हम आपको करके बता देते हैं। देखो 2700 है तो 2700 का हम क्या करेंगे, वो निकालेंगे, लासा निकालेंगे, तो 3 × 27 00 हुआ, फिर हम 3 से करेंगे, 3 × 3 = 9 00 हुआ, फिर हम 3 से करेंगे, 3 × 3 = 3 00 हुआ, अब हम 5 से कर लेंगे, 5 × 2 = 10, फिर हम 5 से कर लेंगे, 5 × 2 = 20, ठीक है। फिर हम 2 से करेंगे, 2 × 2 = 4, फिर हम 2 से करेंगे, इस तरीके से ये आया, ठीक है। तो ये आया, अब हमें इस तरीके से करना है कि गुणा करें तो माइनस का 2700 आए, प्लस जोड़ें घटाएं तो माइनस का 60 आए, ठीक है। रिविज़न करवा रहे हैं इसलिए मैं इससे करवा रही हूँ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 9 × 3 = 27 होता है ना, तो मतलब हमको 90 मिलना चाहिए, ठीक है। 90 कहाँ कैसे मिलेगा, 5 × 2 = 10, ठीक है, और 10 हुआ और 3 × 3 = 9, इसकी इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, और ये हमारे पास बचा है 5 × 15
15 दूनी 30, मतलब 30 मिल गया है और 90 मिल गया है। ठीक है, इनकी गुणा जब करेंगे, ये दोनों ही माइनस के कर लेते हैं, माइनस के कर लेंगे तो हम नहीं, ये हम 90 वाला माइनस का कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 90 का माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा ये माइनस का आ रहा है ना, इसलिए। ठीक है, 2 × 3 = 27 आ गया और प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 जीरो भी लगे, 2700 भी आ गया गुणा करने पे। अगर माइनस 90 करें और प्लस का 30 करें तो हमारा माइनस का 60 भी आ गया। दोनों चीज़ हमारी आने चाहिए थी, माइनस का 60 भी आ गया, माइनस का 2700 भी आ गया, तो हमको क्या मिला है, प्लस का 30 मिला है और माइनस का 90 मिला है। अगर आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है तो पढ़े हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, आपके एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे से कराई है, तो देख लीजिएगा। तो हमको क्या मिला है, यहाँ पे जगह है, बिल्कुल जगह है, तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो हमको मिला क्या था, प्लस का 30, ठीक है, और माइनस का 90, ये हमको मिला था, और माइनस का 27, 100 लिख दो, चाहे 90 पहले लिख दो चाहे 90 बाद में लिख दो, माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दो में से कॉमन लेंगे और इन दो में से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, हमें क्वेश्चन जो है करना है काफ़ी। ठीक है, तो अब हम इसमें से इन दोनों में से कॉमन हमको क्या दिख रहा है, तो इसमें से कॉमन दिख रहा है एक्स। ठीक है, तो इसमें से एक्स जो है वो हमें कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स कॉमन दिख रहा है हमको। ठीक है, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो हमको क्या मिला, इधर एक चला गया एक्स, एक्स एक बचा, अब प्लस लगा दो, एक्स चला गया तो क्या बचा, 30 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, और 9 × 3 = 27 भी होता, मतलब 90 हम कॉमन ले सकते हैं, और एक्स तो था ही नहीं दोनों में, तो एक्स कॉमन नहीं लेंगे, तो 90 × 90 और क्या बच गया, एक्स हमारा बच गया है, और हमारा माइनस कॉमन ले लिया था तो हमारा यहाँ पे प्लस हो गया, और 9 × 3 = 27। ठीक है, 2 जीरो थे, 1 जीरो चला गया तो 1 जीरो बचा। ठीक है, और बराबर में हमारा 0 बचा, मतलब ये जो है हमारा आ गया। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो हमारे दोनों ब्रैकेट हैं ये हमारे सेम होने चाहिए, तो x + 3 x + 30, मतलब x + 30 x + 30 दोनों में आ रहा है, तो मतलब क्वेश्चन जो है हम सही लगा रहे हैं। तो x + 30 जो है वो हमने अब फिर से कॉमन ले लिया, इसमें से इसमें से, तो क्या बच गया, इसमें इसमें बच गया x, इसमें बच गया माइनस का 90। ठीक है, बराबर में 0 लिख दिया। अब हमें क्या करना है भाई, क्या करना है, x के मान निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, x बराबर x प्लस 30 बराबर क्या करेंगे, 0 रख देंगे इस बार, और एक बार क्या करेंगे, x माइनस 90 बराबर 0 रख देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 90 उधर जाएगा तो प्लस का 90 हो जाएगा। अब ये हमारा माइनस में, माइनस में हमारी भुजा जो है वो हो नहीं सकती। ठीक है, ये हमारी भुजा ही तो निकाल लेते हैं, माइनस में भुजा हो नहीं सकती, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 90, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो हमें क्या बताना, क्या था, छोटी भुजा बड़ी भुजा त्रिकोण क्या बताना था, एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। ठीक है, इन्होंने कहा है खेत की भुजाएं ज्ञात करो, खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, यही अभिकर्ण के बारे में इन्होंने कुछ कहा नहीं है। ठीक है, तो खेत की भुजा ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे खेत की छोटी भुजा। ठीक है, छोटी भुजा, तो वो हमारी क्या थी, वो थी एक्स मीटर, एक्स मीटर थी, तो एक्स का मान क्या निकला है, 90 मीटर आ गया। ठीक है, छोटी भुजा हमारी ये हो गई। अब हम लिखेंगे खेत की बड़ी भुजा। ठीक है, तो बड़ी भुजा जो है वो हमारी क्या निकलेगी, वो निकलेगी एक्स प्लस क्या था, 30 था, कहाँ गया, लिखा तो था कहीं, नहीं लिखा था क्या, अच्छा मैंने डायग्राम में ही लिख दिया था, कोई बात नहीं है। तो x प्लस 30 था, तो 90 प्लस x प्लस 30 था, यहाँ पे x प्लस 30 लिख देंगे, मीटर लिख देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए हैं। ठीक है, 90 मीटर 120 मीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट रह जाता है तो लाइव क्लास में आप पूछ लेना। ठीक है, तो
फिलहाल कोई डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक एक स्टेप एक एक चीज़ आपको समझाई है बारीकी से, इसी तरीके से मैं पढ़ाती हूँ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। इतना काम जो है वो आपको करना है। तो भाई चलते हैं।